हे गाइस, तो आज हम जो वीडियो लाए हैं दैट इज़ ऑन इफेक्ट ऑफ पार्शियल बैलेंसिंग ऑफ लोकोमोटिव्स। मतलब कि पार्शियल बैलेंसिंग तो हम करते हैं, ये हमने पिछले वीडियो में देखा ही था ऑलरेडी कि पार्शियल बैलेंसिंग होता है लोकोमोटिव्स का, लेकिन वैसा करने से कौन सी इफेक्ट होती है लोकोमोटिव्स पर, वो हम ये वीडियो में देखने वाले हैं। तो एक्चुअली देर आर थ्री इफेक्ट्स फॉर पार्शियल बैलेंसिंग ऑफ लोकोमोटिव्स। द फर्स्ट इज वेरिएशन ऑफ ट्रैक्टिव फोर्स, देन सेकेंड इज स्वेइंग कपल, एंड द थर्ड वन इज हैमर ब्लो। लेकिन इस वीडियो में हम एक ही इफेक्ट देखेंगे, दैट इज वेरिएशन ऑफ अ ट्रैक्टिव फोर्स। और ये जो ट्रैक्टिव फोर्स है वो कितना होता है, ये पूरा इक्वेशन हम डिराइव करेंगे और लास्ट में हम पूरा रिविजन भी करेंगे, सो डेट आपको ये पूरी थियरी याद रह जाए। चलो, तो अब लोकोमोटिव्स जो होते हैं वो कौन से टाइप के इंजन हैं, तो वो है रेसिप्रोकेटिंग इंजन्स। और रेसिप्रोकेटिंग इंजन्स को हम कम्प्लीटली बैलेंस नहीं कर सकते, उसे हम पार्शली ही बैलेंस करते हैं। अब पार्शल बैलेंसिंग करने से क्या होता है, तो दो टाइप के अनबैलेंस फोर्स जनरेट होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल फोर्स और दूसरा होता है वर्टिकल फोर्स। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है FH, यानी कि हॉरिजॉन्टल अनबैलेंस फोर्स। ये आपको जो इमेज दिख रही है वो है पार्शियल बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मासेस में हमने देखा था, दैट इज FH इज इक्वल्स टू 1 - CmR ओमेगा² कॉस थीटा। ये होता है हॉरिजॉन्टल अनबैलेंस फोर्स। सेम वे वर्टिकल डायरेक्शन में जो लगता है दैट इज FV इक्वल्स टू C·mR ओमेगा² साइन थीटा, और ये होता है वर्टिकल अनबैलेंस फोर्स। अब ये जो हॉरिजॉन्टल अनबैलेंस फोर्स है उसे हम थोड़ा थ्री डायमेंशनली समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो 3D डायग्राम है दैट इज़ ऑफ लोकोमोटिव इंजन। तो यहाँ पर ये है सिलेंडर नंबर वन सपोज, एंड दिस इज सिलेंडर नंबर टू। अब यहाँ पर सिलेंडर वन में जो हॉरिजॉन्टल अनबैलेंस फोर्स लगेगा उसे हम मान लो कि वो ये डायरेक्शन में लगेगा, एंड सेम वे यहाँ पर सिलेंडर टू का हॉरिजॉन्टल फोर्स ये डायरेक्शन में लगेगा। अब सिलेंडर वन के लिए हम रिप्रेजेंट करेंगे फोर्स हॉरिजॉन्टल अनबैलेंस फॉर सिलेंडर वन, सो FHU1। सिमिलरली सेकेंड सिलेंडर के लिए F हॉरिजॉन्टल अनबैलेंस फॉर सिलेंडर टू। तो इस तरह से ये दो हॉरिजॉन्टल अनबैलेंस फोर्स लगते हैं ये दोनों सिलेंडर के ऊपर। चलो, तो अब ट्रैक्टिव फोर्स क्या है, तो इन दोनों हॉरिजॉन्टल अनबैलेंस फोर्स का जो रिजल्टेंट होता है उसे हम बोलते हैं ट्रैक्टिव फोर्स। सो ट्रैक्टिव फोर्स हम कैसे लिखेंगे, सो वी कैन राइट हियर दैट ट्रैक्टिव फोर्स FT इज इक्वल्स टू रिजल्टेंट ऑफ बोथ दिस फोर्स, यानी क्या होगा, समेशन हो जाएगा। तो हम लिखेंगे FHU1 प्लस FHU2, तो ये होगा आपका ट्रैक्टिव फोर्स। अब ट्रैक्टिव फोर्स की हम डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, तो डेफिनेशन हम सेम वे इसी तरह से लिखेंगे कि इट इज़ दी समेशन, यानी कि इट इज़ दी रिजल्टेंट ऑफ बोथ दिस हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। सो यहाँ पर हम डेफिनेशन लिख देंगे, सो ये हो गया डेफिनेशन ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स, द रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स ड्यू टू टू सिलेंडर्स अलॉन्ग द लाइन ऑफ स्ट्रोक ऑफ द सिलेंडर इज कॉल्ड अट्रैक्टिव फोर्स। यानी कि जो हमने यहाँ पर देखा सिलेंडर वन का ये जो अनबैलेंस फोर्स है, सेम वे सिलेंडर टू का अनबैलेंस फोर्स है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट दैट इज़ द अट्रैक्टिव फोर्स। तो इस तरह से इक्वेशन पे से आप डेफिनेशन फ्रेम करो तो आपको बहुत ही ईजिली याद रह जाएगा और कभी आप भूल नहीं पाओगे। यहाँ पर हम एक वर्ड ऐड कर देंगे अनबैलेंस, सो रिजल्टेंट अनबैलेंस हॉरिजॉन्टल फोर्स, बिकॉज बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग इंजन्स में हम जो हॉरिजॉन्टल फोर्स कंसिडर करते हैं वो कौन सा होता है, अनबैलेंस हॉरिजॉन्टल फोर्स। सो यहाँ पर अनबैलेंस वर्ड हमें ऐड करना है। चलो, तो अब हम पूरा डेरिवेशन करेंगे कि जो ट्रैक्टिव फोर्स होता है वो कितना होता है और उसकी क्या फॉर्मूला है, वो हम पूरा डिराइव करने वाले हैं। चलिए, तो जैसे कि हमने यहाँ पर देखा पहला फोर्स लगता है FHU1 फॉर सिलेंडर वन, तो वो कितना होगा, सो फॉर सिलेंडर वन हॉरिजॉन्टल अनबैलेंस फोर्स दैट इज इक्वल्स टू, मैंने आपको यहाँ पर एक इमेज दिखाई पार्शियल बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग इंजन्स जो हमने पढ़ा था, वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था फॉर्मूला, 1 - CmR ओमेगा² कॉस थीटा। तो वही हमें यहाँ पर लिखना है 1 - C·mR ओमेगा² कॉस थीटा, राइट।
सो ये हो गया सिलेंडर वन का हॉरिजॉन्टल अनबैलेंस फोर्स. अब सेम वे फॉर सिलेंडर टू, तो सिलेंडर टू के लिए भी क्या होगा, सेम ही होगा. हॉरिजॉन्टल अनबैलेंस फॉर सिलेंडर टू इज इक्वल्स टू वन माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा. लेकिन थीटा कितना होगा, तो जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो लोकोमोटिव्स के दोनों क्रैंक होते हैं वो कौन से एंगल पर होते हैं. सपोज सिलेंडर वन का क्रैंक है ज़ीरो पर, तो दूसरा कहाँ पर होगा, 90 पे होगा. यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होता है, 90 डिग्री. सो अगर सिलेंडर वन का यहाँ पर क्रैंक थीटा जितने एंगल पर है, तो सिलेंडर टू का क्रैंक कहाँ पर होगा, थीटा प्लस 90 पे होगा, राइट. सो यहाँ पर कितना एंगल होगा सेकेंड सिलेंडर का जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है उसके लिए, थीटा प्लस 90 होगा, राइट. ओके, सो ये हो गया सिलेंडर वन और सिलेंडर टू के लिए अनबैलेंस फोर्सेस इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. अब ट्रैक्टिव फोर्स मतलब हमने देखा कि इट इज़ द रिजल्टेंट अनबैलेंस हॉरिजॉन्टल फोर्स, यानी कि एफ एच वन और एफ एच टू का समेशन. ऑलरेडी हमने यहाँ पर देखा एफ एच वन प्लस एफ एच टू. सो ट्रैक्टिव फोर्स दैट इज एफ सफिक्स टी दैट विल बी इक्वल्स टू एफ एच यू वन प्लस एफ एच यू टू. तो सिंपली ये वैल्यू यहाँ पर पुट आउट कर देते हैं. चलो तो अब यहाँ पर हम आगे सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पर क्या कॉमन है, वन माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर, दैट इज कॉमन. सो वन माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर. अब यहाँ पर क्या बचा है, कॉस थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा प्लस 90 डिग्री, राइट. तो आगे बढ़ते हैं. अब ये है कॉस थीटा एज इट इज, और यहाँ पर जो है कॉस थीटा प्लस 90, यानी कि 90 प्लस थीटा समझ लो, तो वो क्या होगा, माइनस साइन थीटा होगा, बिकॉज सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो वो हो जाएगा माइनस साइन थीटा. तो ये आपका फॉर्मूला हो गया ट्रैक्टिव फोर्स एफ सफिक्स टी. अब ये ट्रैक्टिव फोर्स कितना मैक्सिमम हो सकता है या तो फिर कितना मिनिमम हो सकता है वो हमें फाइंड करना है. तो कोई भी फोर्स मैक्सिमम या मिनिमम हो तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो उसे फाइंड करने के लिए हमें करना पड़ता है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू जो वेरिएबल होता है वो. यहाँ पर जो वेरिएबल है दैट इज़ थीटा. तो हमें क्या करना होगा, ये जो एफ टी है उससे डिफरेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. तब जाके हमें थीटा का एक वैल्यू मिलेगा जिसे हम डिसाइड करेंगे कि कब ये मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा. तो लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको लिख देना है वेयर एम इज इक्वल्स टू मास ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग पार्ट, देन आर इज द रेडियस ऑफ द क्रैंक, फिर ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द क्रैंक. इस तरह से आपको लिख देना है. और सी क्या है, सी इज द पोर्शन ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग पार्ट विच इज टू बी बैलेंस्ड. ये सब आपको पीडीएफ नोट्स में से मिल जाएगा, सो वो आप डाउनलोड कर लेना हमारी वेबसाइट पे से, और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएगी. चलो तो मैंने कहा कि यहाँ पर हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो डी बाई डी थीटा ऑफ एफ टी विथ रिस्पेक्ट टू थीटा ही क्यों करना है, बिकॉज थीटा ही जो है वो यहाँ पर वेरिएबल है, बाकी सब तो ये कांस्टेंट ही है, इसलिए थीटा से हमें डिफरेंशिएट करना है. सो दैट विल बी इक्वल्स टू डी बाई डी थीटा ऑफ दिस होल टर्म. और हमें ये डिफरेंशिएशन को किसके साथ इक्वेट करना है, तो वी हैव टू इक्वेट इट विथ ज़ीरो. सो देयरफॉर वी विल गेट डी बाई डी थीटा ऑफ, ये तो कांस्टेंट है तो उसे हम बाहर लिख देंगे, सो वन माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर, और बाकी जो बचा दैट इज डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू ज़ीरो. अब यहाँ पर ये जो टर्म है वो ज़ीरो के साथ क्या हो जाएगा, ज़ीरो बाई दिस टर्म दैट विल बिकम्स ज़ीरो. सो फाइनली यहाँ पर बचेगा डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू ज़ीरो. अब कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ज़ीरो. सो यहाँ पर माइनस कॉमन निकाल देंगे तो क्या होगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ज़ीरो. सो देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा. और फाइनली हमें साइन बाई कॉस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस वन. तो जब थीटा 135 डिग्री है और 315 डिग्री होगा, तब जाके हमें टेन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस वन मिलेगा.
So we get theta is equals to 135 degree और 315 डिग्री। आप ये वैल्यू यहाँ पर रख के देखना, टेन 135 करके देखना तो आपको माइनस वन मिलेगा, सेम वे टेन 315 करके देखना तो भी आपको माइनस वन ही मिलेगा। चलो तो अब ये पर्टिकुलर हमें दो एंगल्स मिले कि भाई ये एंगल भी है और ये एंगल भी है, तब जाके हमें ये माइनस वन मिलता है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो ये इक्वेशन नंबर थ्री है ट्रैक्टिव फोर्स का इक्वेशन, उसमें हम पहले 135 रख के देखेंगे कि कितना हमें ट्रैक्टिव फोर्स मिलता है। सेम वे सेकंड टाइम हम करेंगे 315 रख के, तो तब कितना मिलते हैं वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम पहले 135 डिग्री रखेंगे, सो फॉर थीटा इज इक्वल्स टू 135 वी गेट ट्रैक्टिव फोर्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस 135 माइनस साइन 135। तो इसे आप सॉल्व करोगे कैलसी में, कॉस 135 माइनस साइन 135, तो आपको आंसर मिलेगा माइनस रूट टू, और बाकी का ये टर्म एज इट इज़। तो ये हो गया आपका, एक आपको फॉर्मूला मिल गया कि भाई इतना हो सकता है जब 135 रखेंगे तब। नाउ अगर हम 315 रखते हैं तब हमें एफ टी कितना मिलेगा, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस ऑफ 315 डिग्री माइनस साइन ऑफ 315 डिग्री। तो इसे आप सॉल्व करोगे कॉस 315 माइनस साइन 315, तो आपको आंसर मिलेगा रूट टू। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि जब 135 रखा तो हमें कम वैल्यू मिली, माइनस में वैल्यू मिला, और जब 315 रखा तब हमें पॉजिटिव वैल्यू मिला। यानी कि ये जो हमें एफ टी मिलता है ट्रैक्टिव फोर्स, ये कितना है मैक्सिमम और ये है मिनिमम। तो ये आपके दो इक्वेशन मिलते हैं आपको, ट्रैक्टिव फोर्स मैक्सिमम एंड ट्रैक्टिव फोर्स मिनिमम। सो हमारी जो थियरी का नाम है वो क्या है, वेरिएशन ऑफ ट्रैक्टिव फोर्स। आपके बुक में इस तरह से लिखा होगा कि वेरिएशन ऑफ ट्रैक्टिव फोर्स, इट इज़ द वन ऑफ द इफेक्ट सीन इन पार्शल बैलेंसिंग ऑफ लोकोमोटिव्स। सो वेरिएशन का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ट्रैक्टिव फोर्स होता है वो इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में वेरी करता है, यानी कि माइनस रूट टू इंटू दिस वन से लेके प्लस रूट टू इंटू दिस वन तक ये वैल्यू वेरी कर सकता है। सो ट्रैक्टिव फोर्स का हम फाइनली एक फॉर्मूला देना चाहें तो वो हम कैसे लिखेंगे, एफ टी इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस रूट टू इंटू 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर, इस तरह से हम लिख सकते हैं। सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर ट्रैक्टिव फोर्स, और यू कैन से वेरिएशन ऑफ ट्रैक्टिव फोर्स। चलो तो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर थियरी, यहाँ तक आपको ये डेरिवेशन लिखना है अगर आपको ज़्यादा मार्क्स में पूछा जाता है तो। सो अब हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमें स्टार्टिंग से क्या करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेफिनेशन लिखना है, व्हाट इज़ अट्रैक्टिव फोर्स। तो वो हमने देखा कि दो फोर्स लगते हैं सिलेंडर के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, सो वो होता है FH1 और दूसरा होता है FH2। तो इन दोनों का समेशन जो होता है, यानी कि रिजल्टेंट होता है, वो होता है अट्रैक्टिव फोर्स। सो इस तरह से आपको डेफिनेशन लिखना है, द रिजल्टेंट अनबैलेंस हॉरिजॉन्टल फोर्स ड्यू टू टू सिलेंडर अलॉन्ग द लाइन ऑफ स्ट्रोक ऑफ द सिलेंडर इज कॉल्ड अट्रैक्टिव फोर्स। फिर ये दोनों का क्या फॉर्मूला है वो लिख दो, फिर जैसे कि हमने देखा कि इट इज़ द समेशन, तो फिर समेशन कर दो, और समेशन करने के बाद यहाँ पर ये आपको एक इक्वेशन मिलेगा, और यहाँ पर ये याद रखना है कि कॉस को आपको साइन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि 90 प्लस थीटा तो ऑब्वियसली इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू साइन। फिर यहाँ पर थोड़ा बहुत लिख देना कि वेयर एम इज़ दिस थिंग, आर इज़ दिस थिंग एंड ऑल दैट। फिर हमें दो वैल्यूज़ फाइंड करनी है थीटा की, कि कब मिनिमम होगा और कब मैक्सिमम होगा हमारा अट्रैक्टिव फोर्स। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन कर दो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा और उसे जीरो के साथ इक्वेट कर दो, तो आपको टेन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस वन मिलेगा। फिर उससे आप सॉल्व करेंगे तो आपको दो वैल्यू मिलेगी थीटा की, दैट इज़ 135 डिग्री एंड 315 डिग्री। फिर 135 रख के देखो ये इक्वेशन में, तब आपको ये वैल्यू मिलेगी माइनस वाली। फिर 315 रख के देखो तब आपको ये पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो जो माइनस वाला वैल्यू आता है दैट विल बी मिनिमम, एंड प्लस वाला जो वैल्यू आता है दैट विल बी मैक्सिमम। सो ट्रैक्टिव फोर्स इन दोनों वैल्यू के बीच में वेरी करता है। सो दैट्स इट, दिस इज़ द एंड ऑफ आवर थियरी। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगी दैट इज़ ऑन स्वेइंग कपल, जो कि सेम ही है, इफेक्ट ऑफ पार्शल बैलेंसिंग का ही पार्ट है ये। तो नेक्स्ट वीडियो में स्वेइंग कपल देखेंगे, और उसके बाद होगा हैमर ब्लो, और आपको न्यूमेरिकल्स भी मिलने वाले हैं, तो ये सब आपको डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएगा।
So thanks for watching.